बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, अपने अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 12 मई वाले दिन मदर्स डे था। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने भी सेलिब्रेट किया होगा और अपनी अपनी मदर्स को सरप्राइज़ दिए होंगे। सो हमारा भी ऐसे ही एक प्लान था। अभी जॉब से वापस आ रही थी और जो मैं ना वो उनका इंतज़ार कर रही थी, हम सब लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे कि वो जल्दी से वापस आएँ ताकि हम लोगों ने जो भी सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है वो हम लोग करें जल्दी से। हम लोगों ने जो है वो पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किए थे, साथ में हम लोगों ने केक मंगवाया था, बॉटल थी, बहुत मज़ा आया था। खाना हम लोगों ने उस दिन नहीं बनाया। मैंने मामा को कहा, मैंने कहा मामा आप खाने की छुट्टी करें आज। मामा कहती क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा अभी अंदर इतने फ्रिज में जो है ना सालन वगैरह पड़े हुए हैं, वही बना कर देते हैं इनको ना, रोटियों के साथ या चावल वगैरह देख लेते हैं, जो भी बनाना होगा ना मैं बना लूँगी, आप अंदर आ जाएँ। सो जी, यहाँ पर सारी चीज़ें आ चुकी थी और ये था यमी सा मज़ेदार सा चॉकलेट केक। मुझे तो वैसे ही चॉकलेट बहुत पसंद है। सो ऊपर से आपकी जो है ना वो चॉकलेट केक ले आई थी, तो मेरी तो ईद हो गई, मज़ा आ गया। मम्मा को जो है ना वो चॉकलेट फ्लेवर्स थोड़ा सा जब मम्मा खाती है ना, मम्मा को थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मम्मा कहती है कड़वा कड़वा लगता है मुझे, लेकिन फिर भी केक बहुत ज़बरदस्त था। मम्मा ने बहुत शौक से खाया, बहुत मज़ा आया मम्मा को। साथ में पिज़्ज़ा के फ्लेवर्स मम्मा को बहुत पसंद आए, मलाई बोटी फ्लेवर था पिज़्ज़ा का। सो जी, ये खाना वगैरह जो है सर्व हो चुका है। बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत मज़ा आया। सो उस दिन जो है ना हमारा इत्तफाकन जो है ना अम्मी के लिए जो गिफ्ट्स वगैरह ऑर्डर किए हुए थे वो बाय चांस ही उसी दिन आ गए। सो हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक्साइटेड हो गए थे। हम लोगों का शुक्र है उसी दिन आ गए हैं पार्सल वगैरह ना। सो अम्मी के लिए किस किस ने क्या क्या गिफ्ट जो है वो मंगवाया, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। तब तक आप लोग मेरे साथ मरिंडा इन्जॉय करें। सो अगले दिन जो है खाना बन रहा था, ये हो रही है हलीम की तैयारी। सो हलीम की वीडियो जो है ना वो मैंने शूट नहीं की है, क्योंकि अम्मी जो है ना काफ़ी टाइम बाद जो है ना घर पर बना रही थी इस तरह। तो मैं नेक्स्ट टाइम जो है जब भी बनेगी ना हलीम घर पर, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर उसकी वीडियो शेयर करूँगी। और ये जी यहाँ पर आ रहे थे बाय चांस इत्तफाकन वाले मेहमान, एमरजेंसी वाले मेहमान। सो यहाँ पे मस्तियाँ चल रही हैं। वो आरिफ लोहार सर का एक सॉन्ग है, आ तेन मौज करावा उस पर मस्तियाँ चल रही हैं। सब लोगों ने इस गाने का जो है ना सुन सुन के कोई हाल ही नहीं जोड़ा। सो जी यहाँ पर हो रहा है नाश्ता और आप ही कर रहे हैं जॉब पर जाने की तैयारी। दही है, हलीम है और साथ में है रोटी, साथ में आप भी लेके जाएंगी चावल। दाल की छनी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं भरी हुई है। मैंने आप ही से कहा था कि ज़्यादा दाल ले जाना ताकि तुम्हारी फ्रेंड्स वगैरह जो है ना वो भी साथ में एंजॉय करें। सो जी उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों के लाइक से, कमेंट से, सब्सक्राइब करने से जो है ना हौसला अफजाई होती है वो नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए जो है ना हिम्मत पैदा होती है। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, उसकी एडिटिंग में, वॉइस ओवर, बहुत सारे काम होते हैं। सो आप लोग प्लीज़ काइंडली वीडियो को लाइक कर दिया करें, एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सब लोग मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।